नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेगमेंट पर। दोस्तों, Oppo के सब ब्रांड Realme 1 ने आज अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है Realme 1 के नाम से, और 25 तारीख से यह Amazon पर अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, काफी लोगों को स्पेसिफिकेशंस तो इसकी पता चली गई है, प्राइसिंग भी पता चल गई है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि इसका जो कैमरा है वो 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, इसके अंदर जायरोस्कोप दिया गया है या नहीं दिया गया है, क्या इसके अंदर कोई गोरिल्ला ग्लास दी गई है, क्या यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलता है, क्या यहाँ पर कैमरे का जो अपर्चर है वो क्या दिया गया है, क्या ये डुअल एप्स को सपोर्ट करता है, कौन सा GPU इसके अंदर दिया गया है, क्या ये मल्टी विंडो को सपोर्ट करता है, क्या ये 2x जूम को सपोर्ट करता है, और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको जाननी चाहिए स्मार्टफोन को खरीदने से पहले, वो सभी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर ओप्पो ने लॉन्च कर दिया है अपना सब ब्रांड Realme 1, और ये बजट सेगमेंट में आया है, और ये धमाकेदार एंट्री जो है वो दी है इसने। प्राइस के मामले में तो इसने Xiaomi और Asus दोनों को ही धूल चटा दी है। डेफिनेटली कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस दी है जिनको सुनकर मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, और शायद आपको भी यकीन ना हो, क्योंकि जो स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है इसकी 3GB 32GB वेरिएंट की 8,990 रुपये में, मतलब 990 या 999 के चक्कर में हम नहीं पड़ते, 3GB 32GB दिया गया आपको 9,000 रुपये में, 4GB 64GB आपको मिलता है 11,000 रुपये में, 6GB 128GB आपको मिलता है सिर्फ 14,000 रुपये में। तो दोस्तों, बहुत ही एग्रेसिव जो है प्राइस रखी है इस बार ओप्पो के सब ब्रांड Realme ने। तो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं, साथ के साथ जो क्वेश्चंस मैंने आपको शुरू में बताए थे उनका जवाब भी मैं वन बाय वन आपको देता चलूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्प्ले की, तो यहां पर आपको 6 इंच की LCD पैनल देखने को मिलता है 18:9 का, और यहां पर ओप्पो या Realme ने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है, रिवील नहीं दिया कि इसके अंदर कोई आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है या नहीं मिलती है। और दोस्तों, डिस्प्ले के अलावा अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं तो बहुत ही कमाल का डिजाइन इस बार जो है वो ओप्पो ने निकाला है, क्योंकि एग्जैक्टली आपको कुछ ऐसी लुक मिलती है जैसी आपको ओप्पो F7 के डायमंड ब्लैक एडिशन में मिलती है, वही बिल्कुल लुक आपको डायमंड कट वाली Realme के बैक पैनल में देखने को मिलेगी। यहां पर फाइबर ग्लास का यूज किया गया है बैक साइड में, लेकिन यहां पर आपके फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह जो है वो यहां पर विजिबल हो जाएंगे, लेकिन यहां पर आपको केस कवर भी प्रोवाइड कराता है ओप्पो, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन आपको एक बहुत ही गुड लुकिंग स्मार्टफोन जो है वो मुहैया कराया गया है। उसके बाद दोस्तों, अगर आते हैं हम इसके प्रोसेसर के ऊपर, तो यार 9,000 रुपये में इन्होंने हीलियो का लेटेस्ट मीडियाटेक हीलियो P60 दे दिया है, जो कि काबिले तारीफ है, और एक तरह से मतलब धमाका मचा दिया है इस प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि इससे पहले यदि आप देखेंगे तो ओप्पो F7 में आपको हीलियो P60 देखने को मिला था, जो कि 22,000 रुपये की प्राइस रेंज में आता है। और अगर हम सीधा सीधा स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से इसको कंपेयर करते हैं तो 636 से ये पावरफुल प्रोसेसर है, और 660 के लगभग आसपास ये नजर आता है। 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है, पावर एफिशिएंट भी है। तो यहां पर ये नहीं बताया गया कि GPU कौन सा है, काफी यूट्यूबर्स के मैंने वीडियो देखे थे, उन्होंने GPU का कोई भी जिक्र नहीं किया था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर मालिक का Z72 MP3 GPU आपको देखने को मिलता है। 2GHz का ऑक्टा कोर CPU आपको मिलेगा इस स्मार्टफोन में, तो आपको परफॉर्मेंस वाइज इस फोन से कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसर जो है वो AI टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, और यहां पर आपको बहुत सारे इस फोन के अंदर फीचर्स ऐसे मिलेंगे जो कि AI बेस्ड हैं। उसके बाद दोस्तों, कैमरे की तरफ बढ़ते हैं, तो ओप्पो हमेशा ही जो है वो कैमरे पर ध्यान देता रहा है, लेकिन ये बजट सेगमेंट का फोन है ₹10,000 का, तो उन्होंने सब कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो सही तरह से बिठाना था। यहां पर आपको रियर कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का, यहां पर उन्होंने अपर्चर नहीं बताया था, काफी यूट्यूबर्स ने नहीं बताया है अपर्चर, तो मैं आपको बता दूं यहां पर आपको अपर्चर मिलता है F2.2 का। और अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करता हूं तो यहां पर भी आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, यहां पर भी अपर्चर आपको F2.2 का मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करते हैं कैमरा सेक्शन में ही, तो क्या ये फोन जो है वो 4K को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नहीं करता है। यहां पर मैक्सिमम जो आपको रेजोल्यूशन मिलता है जिसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो है फुल HD यानी कि 1080p, तो यहां पर आपको 4K रिकॉर्डिंग का कोई सपोर्ट नहीं मिलता, यहां पर आपको कोई स्टेबलाइजेशन भी नहीं मिलती है, ना ही ES और ना ही OIS। यहां पर काफी कस्टमाइजेशन है, आपको यहां पर डेप्थ इफेक्ट मिल जाता है, बोके इफेक्ट मिल जाता है, और यहां पर AI ब्यूटी का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि AI जो है वो आजकल की नेसेसिटी बन गई है, हर एक स्मार्टफोन जो है वो AI फीचर से लेस होकर आ रहा है, और उसी के चलते यहां पर आपको AR स्टिकर्स भी
इस फोन में मिल जाएंगे ओप्पो F7 की तरह, या फिर जैसे ओनर 9 लाइट में अभी अपडेट आया AR लेंस का, तो यहाँ पर आपको ये भी मिल जाता है। कैमरा की परफॉर्मेंस कैसी होगी जब हमारे पास ये सेट आएगा और जब मैं कैमरे को टेस्ट कर लूंगा, उसके बाद ही मैं आपको बता सकूंगा कि ये कैमरा अच्छा है या फिर साधारण है या फिर बेकार है। तो दोस्तों यहाँ पर कैमरा जो है वो इम्प्रेसिव दिखाई दे रहा है ऑन पेपर्स, लेकिन अगर बात करूँ अपर्चर की तो मुझे लो लाइट की थोड़ा सा डाउट है कि लो लाइट में कैसा परफॉर्म करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ओप्पो का कलर OS मिलता है 5 और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड का 8.1 यानी कि लेटेस्ट वर्जन मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी तक हम तो Redmi Note 5 Pro में भी वेट कर रहे हैं कि कब उसके अंदर ओरियो आएगा, और यहाँ पर उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 8.1 दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड के लिए अलग से स्लॉट दिया गया, यानी कि आपको ट्रिपल स्लॉट मिलता है। तो यहाँ पर आपको स्टोरेज वाइज भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इंडियंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये स्टेप उठाया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर आप 3GB 32GB भी लेते हैं तो यहाँ पर आपको स्टोरेज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 3GB के साथ जाते हैं तो वो भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा, क्योंकि लेटेस्ट प्रोसेसर है हीलियो P60 और काफी पावरफुल प्रोसेसर है। अगर आप 3GB वर्जन के साथ जाते हैं तो भी आप अपनी स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड से, जो कि इस फोन का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। दोस्तों इसके अलावा आपको इसके अंदर मिलता है 3410 mAh की बैटरी, बड़ी ही अच्छी बैटरी दी है, बैलेंस बैटरी दी है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बैटरी जो है ये भी AI टेक्नोलॉजी पर काम करती है। यानी कि AI टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो ये AI टेक्निक है ये खुद ऑप्टिमाइज करती है आपकी बैकग्राउंड एप्स को, तो ये ऑटोमेटिकली उन एप्स को क्लोज कर देगा जो आपकी बैकग्राउंड में अननेसेसरी परफॉर्म कर रही है। तो इससे आपका जो बैटरी बैकअप है वो आसानी से 1 से 1.5 दिन तक फॉर श्योर चला जाएगा, क्योंकि ओप्पो F7 है वहां पर भी यही टेक्नोलॉजी यूज की गई है और बैटरी परफॉर्मेंस उसकी भी काफी अच्छी है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, और उनका कहना है कि ये 0.1 सेकंड में अनलॉक कर देता है फोन को, और इस बात पर कोई डाउट नहीं करना चाहिए क्योंकि सेम प्रोसेसर है F7 वाला, और वहां पर भी आपको जो फेस अनलॉक फीचर है वो फास्टेस्ट मिलता है अभी तक के जितने भी मैंने देखे हैं। मेरे पास ओप्पो F7 आया था और मैंने उसके कुछ वीडियोस अभी एडिटिंग उसकी बाकी है, तो वहां पर जो फेस अनलॉक की स्पीड है वो काफी काबिल तारीफ है, और यहां पर भी आपको जो फेस अनलॉक की स्पीड मिलेगी वो बहुत ही जबरदस्त मिलने वाली है। इवन आपको लो लाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फेस अनलॉक को लेकर, इसीलिए उन्होंने यहां पर एक डेडिकेटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिस कर दिया है। जी हाँ, इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता, ना ही रियर साइड में ना ही फ्रंट साइड में। तो यहां पर एक कोन भी हो सकता है ये काफी लोगों के लिए, और काफी लोगों के लिए मतलब जैसे आईफोन X में भी नहीं है, तो वहां पर भी लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया है 1,00,000 रुपए दे के भी। तो यहां पर यार 9,000 रुपए दे के भी हम अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तो इसमें किसी गलती नहीं है। और इस फोन में आपको ज्यादा ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ एक एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड है जिनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों बात आती है सेंसर्स की, तो आपको यहाँ पर बेसिक सभी सेंसर मिल जाते हैं, जायरोस्कोप भी मिल जाता है, तो आपको गेम परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत जो है वो होने वाली नहीं है, ना ही आपको जो लोकेशन मैप्स होता है उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको ऑटो ब्राइटनेस का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको नाइट मोड भी मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 2x जूम का ऑप्शन मिल जाएगा इसके कैमरे में, लेकिन वो ऑप्टिकल जूम नहीं है, वो डिजिटल जूम है, तो यहाँ पर आपको 2x का जूम मिलता है डिजिटल। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डुअल एप्स का फंक्शन भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको फेस अनलॉक भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक फोल्डर लॉक भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको वॉल्ट भी मिल जाता है, और दोस्तों यहाँ पर एक चीज जो मिसिंग है वो है मल्टी विंडो। जी हाँ, यहाँ पर आपको मल्टी विंडो नहीं मिलती है, जो थोड़ी सी सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी, क्योंकि इतनी बड़ी कोई चीज है नहीं है वो, अगर इसमें मल्टी विंडो दे देते तो बहुत ही अच्छा रहता है। हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू मल्टी विंडो जो है वो एक्टिवेट हो जाए इस फोन के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर इस फोन की एक और खास बात यह है कि ये डुअल वोल्टी को सपोर्ट करता है, यानी कि आप दोनों सिम कार्ड्स में वोल्टी सिम जो है वो यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप Asus ZenFone Max Pro M1 में देखने को मिलता है, जैसा आपको Oppo F7 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको डुअल वोल्टी का सपोर्ट मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये कुछ पैकेज मिलता है आपको 9,000 रुपए के अंदर। आप एक बार सोच के देखिए, हीलियो का P60 मिल जाता है आपको, 2 GHz ऑक्टा कोर, और जो कि AI को सपोर्ट करता है, 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी भी काम करता है। आपको यहाँ पर 18:9 का डिस्प्ले मिल जाता है, 85% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का। यहाँ पर आपको 13 MP 8 MP का कॉम्बिनेशन मिल जाता है AI ब्यूटी और AI फीचर्स के साथ। यहाँ पर आपको 3410 mAh की बैटरी मिलती है, जो वो भी AI टेक्नोलॉजी पे काम करती है। उसके अलावा यहाँ आपको लेटेस्ट जो है एंड्रॉइड वर्जन मिल जाता है, एंड्रॉइड 8.1।
तो मेरे हिसाब से यार वैल्यू फॉर मनी है। और मैं आपको एक बताऊं कि इस प्राइस रेंज में इसने शाओमी और आसूस दोनों को धो डाला है, मतलब पटक पटक के मारा है मैं कहूंगा। लेकिन आपके क्या विचार हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने विचार इस स्मार्टफोन के बारे में इस कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।